भिलाई मैत्री बाघ सफेद बाघों की सबसे अधिक संख्या के साथ भारत के शीर्ष चिड़ियाघरों में से एक बन गया है। सफेद बाघ के कुनबे में दो नए मेहमान और शामिल हो गई। सफेद बाघिन रोमा ने दो नर शावकों को जन्म दिया है। इसके पहले सफेद बाघिन रक्षा ने 28 अप्रैल 2023 को तीन नन्हे शावकों को जन्म दिया था। अब जन्मे दो शावकों के साथ ही मैत्री बाघ में सफेद बाघों की संख्या 10 हो गई। 3 माह तक देखभाल के बाद अब इनको बाहर निकाला गया। आम जनता को इन चंचल शावकों की पहली झलक आज देखने को मिली। मैत्री बाघ चिड़ियाघर में दो नन्हे शावकों ने कुछ माह पूर्व जन्म लिया है और यहाँ पे देखा गया, जब से सफेद शेर यहाँ लाए लगातार इनकी वंशवृद्धि होती जा रही है और कुछ माह पूर्व भी हमारे यहाँ 3 अन्य शावक में जन्म लिया था। इस प्रकार से भी वर्तमान में 5 शावक के यहाँ पे मैत्री बाघ हुए हैं। इसकी देखभाल के लिए हम जैसे ही हमको पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है उसको एक डार्क रूम में रखा जाता है और उसका फास्टिंग को बंद किया दिया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है करके, और उनके कैल्शियम विटामिन का एडिशनल सप्लीमेंट चालू कर दिया जाता है जिससे बच्चे अच्छे स्वस्थ और संतुष्ट हों। और उसके बाद बच्चे का ख्याल माँ अच्छे से रखे, इसकी पहले से देखभाल की जाती है। क्या नाम रखे? इनका नाम अभी हमने 24 जनवरी को सेल स्थापना दिवस के दिन में सोचा गया है कि इनका नाम रखा जाएगा और वर्तमान में इनका जो पुराने जो 3 शावक उनका नाम रख दिया गया था वो राणा, रुस्तम और बाबी का नाम। पशु चिकित्सक मानदंडों के अनुसार स्तनपान और अन्य स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी के लिए शावकों को माँ के साथ एक अंधेरे कमरे में रखा गया है। बाघ के बच्चे तापमान के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं। सर्दी के मौसम को देखते हुए माँ और शावकों को बढ़ती ठंड से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रभारी डॉक्टर एनके जैन ने बताया कि इन दो नर शासकों का नामकरण सेल की स्थापना दिवस के दिन रखा जाएगा। पंजाब केसरी के लिए प्रदीप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।